हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेस ली है, मतलब ऑलरेडी हम लोग दो क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी एवरेज यू रेट की थर्ड क्लास है। तो अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट दोनों क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हम लोगों ने बात किया था एवरेज ड्यू डेट। तो अपन ने बोला ड्यू डेट का मतलब क्या होता है। ड्यू डेट इज़ व्हाट? व्हेन एनी सिंगल अमाउंट इज़ पेबल और रिसीवेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो कोई सिंगल अमाउंट जिस डेट पे रिसीवेबल या पेबल है वो आपके लिए क्या है? ड्यू डेट है। और जब टोटल अमाउंट, एक से ज़्यादा अमाउंट्स जिस डेट पे रिसीवेबल या पेबल है, दैट इज़ नोन एज एवरेज ड्यू डेट। तो अगर सिंगल अमाउंट का ड्यू डेट पे पेमेंट होता है तो इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होता है, मतलब किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस या बेनिफिट नहीं होता है। पर और इसी तरह से अगर टोटल ड्यू अमाउंट का एवरेज ड्यू रेट पे पेमेंट होता है तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस या बेनिफिट नहीं होता है। तो चैप्टर का बहुत सीधा सा फंडा है, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एवरेज ड्यू रेट कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट किस डेट पे। देखिए, इंडिविजुअल अमाउंट का ड्यू रेट हमको पता होता है, उसको कंसीडर करके वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ड्यू डेट, एवरेज ड्यू रेट ऑफ टोटल अमाउंट। तो आपको टोटल अमाउंट का एवरेज ड्यू रेट फाइंड आउट करना है और फिर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यही पर्पज़ है। तो उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन थी, तो हम लोगों ने लिखा भी था टॉपिक टू बी डिस्कस में, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू रेट। तो हम लोगों ने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू रेट, उस केस में फर्स्ट क्या था याद है? इन केस ऑफ वन साइड ट्रांजेक्शन क्या होता है? वन साइड ट्रांजेक्शन में या तो हम लोग परचेज करते हैं और या सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, मतलब या तो अमाउंट सिर्फ रिसीवेबल होगा और या फिर क्या होगा, पेबल होगा। एंड अदर इज टू साइड ट्रांजेक्शन। क्या होता है टू टू साइड ट्रांजेक्शन में? किसी एक कॉमन पर्सन से हम लोग परचेज भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो अगर आप परचेज भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो तो उस पर्सन से अमाउंट क्या है, रिसीवेबल भी होता है और उस पर्सन का अमाउंट क्या है, पेबल भी होता है। तो उस केस में नेट अमाउंट के लिए हम लोग एवरेज यूरेट कैलकुलेट करते हैं। थर्ड था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज यूरेट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू रेट इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर। एंड लास्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू रेट इन केस लोन ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या बात किया था, वन साइड ट्रांजेक्शन के केस में क्या होता है, टोटल मिला के फाइव स्टेप्स में हम लोग एवरेज ड्यू रेट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट याद है, सोचो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट क्या था? कैलकुलेट ड्यू डेट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सब के लिए पहले आप क्या करो, ड्यू रेट कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालते हैं ड्यू रेट, सोचो। ड्यू रेट इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रांजेक्शन डेट प्लस क्रेडिट पीरियड। 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं ऐड होता है, 3 डेज ऑफ ग्रेस आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। नॉर्मल ट्रांजेक्शन परचेज और सेल के केस में हम लोग 3 डेज ऑफ ग्रेस कंसीडर नहीं करते हैं बेटा। तो आपको हर ट्रांजेक्शन का क्या करना है, सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन डेट प्लस क्रेडिट पीरियड करोगे तो ड्यू रेट आ जाएगा। देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ड्यू अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। फॉर दैट यू आर रिक्वायर्ड व्हाट, कैसे निकालोगे ड्यू अमाउंट? तो उस केस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट अगर डिडक्ट करोगे तो ड्यू अमाउंट आता है। और ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वही ड्यू रेट है। तो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट ड्यू रेट, सेकंड स्टेप इज व्हाट, कैलकुलेट ड्यू अमाउंट। थर्ड स्टेप क्या है, जितनी भी ड्यू डेट्स है ना उसमें से जो अर्लीस्ट डेट है उसको आप क्या करो, बेस डेट ले लो। थर्ड स्टेप इज व्हाट, टेक टेक बेस डेट आउट ऑफ ड्यू डेट्स। जो अर्लीस्ट डेट है उसको आप क्या करो, बेस डेट ले लो। स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेट पीरियड। कैसे निकालते हैं पीरियड? पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है बताओ, ड्यू डेट में से बेस डेट माइनस करना है, पीरियड आ जाएगा। फिर उसके बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में वही सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ अमाउंट लेना है। फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, एवरेज ड्यू रेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस क्या था, ब्रैकेट में सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद टू साइड ट्रांजेक्शन के केस में क्या होता है, वन साइड ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हम लोग जो एडीडी कैलकुलेट करते हैं ना वो टोटल अमाउंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। और इन केस ऑफ टू साइड ट्रांजेक्शन, जब एक ही पर्सन से अमाउंट रिसीवेबल भी है पेएबल भी है तो फिर एडीडी इज कैलकुलेटेड फॉर नेट अमाउंट। तो उस केस में भी सेम सेम सिस्टम है, सेम प्रोसेस है, फ़र्क क्या है? अच्छा, क्या करना है, सबसे पहले आप ड्यू डेट्स कैलकुलेट कर लो, ड्यू अमाउंट्स कैलकुलेट कर लो, फिर आप एक बेस डेट लो
और एक बेस डेट लेके दो टेबल्स बना दो, एक रिसीवेबल के लिए अलग टेबल बना दो, एक पेबल के लिए अलग टेबल बना दो. बेस डेट कॉमन रहेगा और बेस डेट कॉमन लेके दो एवरेज यू डेट टेबल बना दो, वन फॉर रिसीवेबल एंड अदर फॉर पेबल. बस उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोचो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एवरेज यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस क्या लिखते हो ब्रैकेट में, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अमाउंट. ठीक है, और अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज यू डेट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो सबसे पहले तो बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. सबसे पहले बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, एक ही बात है, दोनों हैं क्या? बोथ आर बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसफरेबल है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसफरेबल है, दैट इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे इंडियन करेंसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. आप अगर किसी को 2000 का अगर नोट हैंड ओवर करोगे ना तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. आप 500 का इंडियन करेंसी का नोट अगर किसी को दोगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो इंडियन करेंसी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे पेपर्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो ऐसे तो बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इंडियन करेंसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट बोथ आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स है. अब होता क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? सपोज जैसे कि एक्स को 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज करना है. देखो रिकॉर्डिंग में समझ में तभी आएगा जब आप बराबर से सुनोगे, है ना, और नॉर्मल स्पीड पे सुनना, ढंग से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट होके आप सुनोगे तो ही आपको ये समझ में आने वाला है. मैं बार बार कह रहा हूँ, मैनुअल क्लासेस अलग चीज़ होती है, रिकॉर्डेड अलग चीज़ है. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना सिंसियर है. तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्स को 1 लाख रुपीज़ का गुड्स क्या करना है, परचेज करना है, पर उसके पास 1 लाख रुपीज़ नहीं है और इसका सप्लायर जो गुड्स इसको परचेज करना है उसका सप्लायर कौन है? उसका सप्लायर है वाई. तो एक्स ने क्या किया, वाई को अप्रोच किया कि 1 लाख रुपीज़ का गुड्स मुझे आपसे परचेज करना है, बट आई डोंट हैव कैश, मुझे कैश, मेरे पास कैश नहीं है. तो आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ, मैं आपको 1 मंथ के बाद क्या करूँगा, पेमेंट कर दूँगा, ऐसा करके. तो एक्स ने क्या किया, अपने लेटर हेड पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के अपने सिग्नेचर करके किसको दे दिया, वाई को दे दिया. क्या लिखा एक्स ने कि 1 लाख रुपीज़ का गुड्स मैंने आपसे परचेज किया, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ, और उस पर एक्स का सिग्नेचर करके किसको दे दिया, वाई को दे दिया. दिस इज़ बेसिकली व्हाट प्रॉमिसरी नोट. अब वाई जिसने कि एक्स को क्या किया, सेल किया, ही हैज़ ए प्रूफ, उसके पास एक लीगल प्रूफ है. क्या प्रूफ है? कि एक्स ने गुड्स परचेज किया और उसका 1 लाख का अमाउंट जो है वो 1 मंथ के बाद देने को बोला है. इन केस ऑफ डिफॉल्ट आफ्टर 1 मंथ, अगर एक्स अगर 1 मंथ के बाद पेमेंट नहीं करता है तो वाई हैज़ ऑप्शन टू रिकवर अमाउंट लीगली. वो कोर्ट में क्या करेगा, केस करेगा किस पे, एक्स पे, और ही कैन रिकवर लीगली अमाउंट. तो कोर्ट में केस करके ही कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम एक्स. तो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का पर्पज़ क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो है बेसिकली सेलर को एक एश्योरेंस देते हैं कि बायर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो सेलर बायर पे क्या कर सकता है, केस करके लीगली अमाउंट रिकवर कर सकता है. ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पर्पस है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने से क्या होता है, एविडेंस हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि भाई हम पैसा मांगते हैं. तो अब मेरी बात को ढंग से सुनना. मेरे एग्जाम्पल में अपन ने बोला कि X want to purchase goods from Y, how much? For rupees 1 lakh. ठीक है, और X ने Y को लिख के दे दिया. X ने Y को लिख के क्या दे दिया कि सपोज 1 जनवरी को मैंने आपसे गुड्स परचेज किया है एंड आई विल पे यू रुपीज 1 lakh एज एंड वेन यू डिमांड. क्या लिख के दिया X ने Y को, क्या लिख के दिया कि आई एम परचेजिंग गुड्स ऑन 1 जनवरी फ्रॉम यू रुपीज 1 लाख एंड आई विल पे ड्यू अमाउंट एज एंड वेन यू डिमांड. समझ गए?
तो एक्स ने वाई को लिख के दिया कि मैंने आपसे 1 लाख का गुड्स परचेज किया है 1 जनवरी को, और जब आप पैसा मांगोगे, जब आपको ज़रूरत होगी, आई विल पे। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में इस बिल के अंदर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेन एवर वाई डिमांड्स फ्रॉम एक्स, जब भी वाई एक्स से डिमांड करेगा, एक्स हैज़ टू पे द अमाउंट, ड्यू अमाउंट 1 लाख का क्या होगा, एक्स को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो जैसे 1 जनवरी को बिल लिखा, अब मान लो अगर वाई 5 जनवरी को ही बिल प्रेजेंट कर देता है ना, अगर वाई ने 5 जनवरी को ही बिल प्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब एक्स को 5 जनवरी को ही वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। दीज बिल्स आर नोन एज डिमांड बिल, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, दीज बिल्स आर नोन एज डिमांड बिल, क्या बोलेंगे इनको, डिमांड बिल। तो कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे होते हैं ना जिनमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता है, पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद पेमेंट होने वाला है, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिमांड बिल, क्या बोलते हैं, डिमांड बिल। तो दीज बिल आर नोन एज वॉट, डिमांड बिल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो बिल है वो आपके लिए कौन से बिल हैं बताओ, ये जो बिल हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बिल। समझ में आया, बोलो तो दीज बिल्स आर नोन एज डिमांड बिल। और वहीं पे मान लो एक्स अगर ऐसा लिख देता, क्या लिख देता एक्स इस केस में, कि 1 जनवरी को मैंने आपसे गुड्स परचेज किया एंड आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ, मैं आपसे 2 महीने बाद, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, और एक्स अपने सिग्नेचर करके क्या करे, वाई को दे दे, तो ये फिक्स हो गया कि वाई 2 मंथ के बाद ही इस बिल को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 2 तरह के बिल होते हैं, एक बिल ऐसे होते हैं मेन जो आइडेंटिफिकेशन और पीरियड का है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें पीरियड जो है वो नॉट स्पेसिफाइड, पीरियड नॉट स्पेसिफाइड, और पीरियड इज स्पेसिफाइड। तो अगर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो उन बिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बिल क्या है, डिमांड बिल है, क्या है, डिमांड बिल है। और जिनमें पीरियड स्पेसिफाइड है, पेबल आफ्टर 1 मंथ, पेबल आफ्टर 2 मंथ, पेबल 30 डेज, पेबल आफ्टर 15 डेज, दे आर नोन एज टाइम बिल, उनको बोलते हैं टाइम बिल। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ पीरियड, बिल में पीरियड स्पेसिफाइड है या नहीं है, तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। अभी कोई आपसे 1 लाख रुपीज मांगता है तो आप कह सकते हो ठीक है, जब तुम बोलोगे मैं दे दूंगा। अब जब तुम बोलोगे मैं दे दूंगा मतलब अगला आदमी कल आके बोलेगा तो भी अपने को देना पड़ेगा, और तुम बोलते हो कि ठीक है मैं, अभी कोई तुमसे 1 लाख रुपीज मांग रहा है और तुम उसको बोल रहे हो मैं 1 मंथ के बाद पे करूंगा, तो इसका मतलब उसके अंदर पीरियड स्पेसिफाइड है, वो ड्यू 1 मंथ के बाद होगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड बिल जो होते हैं ना, डिमांड बिल, उनमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता है, और पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता है इसका मतलब वो कभी भी ड्यू हो जाते हैं जब वो बिल पेमेंट के लिए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अपने को एवरेज ड्यू रेट में क्या करना है पता है, एवरेज ड्यू रेट कैलकुलेशन में अपना फर्स्ट स्टेप ही ये कि वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अपने को हर ट्रांजेक्शन का क्या करना है, ड्यू रेट कैलकुलेट करना है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट का कैलकुलेशन नॉर्मल ट्रांजेक्शन से अलग होता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। For the purpose of calculation of due date, bills of exchange and promissory note are divided in 2 part. First is what? Demand bill. And other is time bill. अब जो ढंग से सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा, डिमांड बिल मतलब क्या होता है, डिमांड बिल मतलब पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं। और टाइम बिल किसको बोलते हैं, टाइम बिल मतलब पीरियड इज स्पेसिफाइड। अब डिमांड बिल के केस में क्या होता है, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता है, पेमेंट करने वाले ने साफ क्या रखा है कि जब पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा, एज एंड व्हेन यू डिमांड आई विल पे। तो इस केस में क्या होता है, इसकी ड्यू डेट क्या होती है, डिमांड बिल जिसके अंदर
पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। अगर मैं उसकी ड्यू डेट की बात करूँ तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी बताओ। हाँ, उसकी ड्यू डेट क्या है? द डेट ऑन विच बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 1 जनवरी को एक्स ने बिल लिखा या प्रॉमिसरी नोट लिख के वाई को दिया, उसमें क्या लिख दिया कि आई विल पे यू 1 लाख एज एन वेन यू डिमांड। अब मान लो 10th of January को वाई ने डिमांड किया ना, तो 10th of January इज ड्यू डेट। अगर 15th of January को डिमांड किया तो 15th of January ड्यू डेट। अगर मान लो उसने दिसंबर में जाके डिमांड किया तो दिसंबर विल बी द ड्यू डेट। तो इस केस में प्री डिटरमाइंड वी कैन नॉट से कि इस बिल का ड्यू डेट क्या होगा। तो इस केस में ड्यू डेट क्या है, समझो द डेट ऑन विच बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस डेट पे वो बिल पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो जाए, दैट डेट विल बी द ड्यू डेट। तो इस केस में वी कैन नॉट से कि इस पर्टिकुलर बिल का ड्यू डेट क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, 3 days ऑफ ग्रेस आर नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ और 10th जनवरी को प्रेजेंट हो गया। 1 जनवरी को एक्स ने बिल ड्रॉ किया, क्या लिखा था कि आई विल पे 1 लाख एज एन वेन यू डिमांड, और वाई ने वो बिल क्या किया 10 जनवरी को प्रेजेंट कर दिया, लाओ पेमेंट करो पैसा चाहिए। तो इस केस में 10th जनवरी इज ड्यू डेट। एक्स ये नहीं बोल सकता है अभी तो तुमने बिल प्रेजेंट किया, 3 दिन बाद आना पेमेंट लेने। डिमांड बिल का साफ केस है, इट्स ए स्पेसिफाइड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में साफ स्पेसिफाइड है कि डिमांड बिल जिस दिन प्रेजेंट होगा दैट डेट विल बी द ड्यू डेट। वो डेट आपके लिए क्या है, ड्यू डेट है। और उस केस में 3 days ऑफ ग्रेस जो है वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, अगर मुझे एडीडी कैलकुलेट करना है, तो मुझे हर बिल का ड्यू डेट पता होना जरूरी है ना कि वो बिल कब ड्यू हो रहा है। जबकि डिमांड बिल के केस में तो हमको ड्यू डेट पहले से पता ही नहीं होती है, इसलिए कभी भी एडीडी कैलकुलेट करने के लिए ऐसे बिल्स को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसे डिमांड बिल्स नहीं गिवन होंगे, क्योंकि डिमांड बिल्स के लिए ड्यू डेट प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। और जब तक मेरे को ड्यू डेट नहीं पता है, मैं उसको कंसीडर करके एडीडी कैलकुलेट नहीं कर सकता। और जहाँ तक मैं बात करूँ पीरियड टाइम बिल, टाइम बिल क्या होते हैं, पीरियड इज स्पेसिफाइड। अब क्या होता है, जब पीरियड स्पेसिफाइड करते हैं ना तो उसका भी अलग अलग टर्म होता है। जैसे एक्स ने क्या लिखा, एक्स ने जब पीरियड स्पेसिफाइड किया ना 1 लाख का, क्यों बिल ड्रॉ किया था एक्स ने पता है आपको? एक्स ने 1 लाख का गुड्स परचेज किया और 1 लाख रुपीज़ उसको वाई को देना है। तो एक्स ने क्या बोला कि 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया कि आई विल पे यू 1 लाख रुपीज़ आफ्टर टू मंथ। और ये ऐसा भी लिखा जा सकता है आफ्टर टू मंथ फ्रॉम योर एक्सेप्टेंस। तो एक तो क्या टर्म यूज हो रही है, एक्स ने क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ने क्या लैंग्वेज यूज किया कि आई विल पे यू रुपीज 1 लाख आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद मैं पे करूंगा। तो इस केस में पता है ये 2 मंथ जो है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर एक्स ने ये लिखा कि आई विल पे यू 1 लाख रुपीज आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम योर एक्सेप्टेंस, आप अगर एग्री होंगे तो मैं उसके 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब हुआ क्या, सोचो एक्स ने बिल ड्रॉ किया या एक्स ने प्रॉमिसरी नोट कब लिखा, 1 जनवरी, और वाई ने उस पर एक्सेप्टेंस कब दी, आई एग्री जो भी तुमने लिखा है वो 10 जनवरी को। तो 2 मंथ का जो पीरियड है ना वो 1 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है और 10 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर एक्स ने नॉर्मली लिखा कि आई विल पे यू ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ, तो आफ्टर 2 मंथ मतलब दैट 2 मंथ विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉन। जब एक्स ने बिल ड्रॉ किया ना तो 1 जनवरी से ही वो 2 मंथ का पीरियड क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक्स ने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, उसमें लिखा कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो ड्यू डेट तो 2 मंथ के बाद ही आएगी ना। अगर आप 2 मंथ के बाद डिले करोगे तो इंटरेस्ट कंसिडर होगा ना।
अभी कोई कह रहा है, किसी ने 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया और वो बोलता है कि मैं 1 मंथ के बाद पे करूंगा, तो भाई यार 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करें नहीं, सेइंग कि ही विल पे आफ्टर 1 मंथ, इसका मतलब पैसा ड्यू 1 फेब को होगा ना, तो पैसा ड्यू 1 फेब को हो रहा है तो ड्यू डेट 1 फेब, उससे डिले करोगे तो इंटरेस्ट आएगा ना, तो ड्यू डेट कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो जो पीरियड है ना, ये जो 1 जनवरी है, इसको इस पे बिल क्या हुआ था, ड्रॉ हुआ, इस पे बिल क्या हुआ, ड्रॉ हुआ, और 10 जनवरी को ये बिल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या हुई, एक्सेप्ट हुई। तो टाइम जो है ना, टाइम वो डेट ऑफ ड्रॉन से भी स्टार्ट हो सकता है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने उसको लिखा कैसे। सुन रहे हो क्या? तो इस केस में वी कैन से कि टाइम बिल भी दो तरह के होते हैं। टाइम बिल एक होता है पेएबल आफ्टर डेट और एक होता है पेएबल आफ्टर साइट। पेएबल आफ्टर साइट, साइट का मतलब क्या होता है, देखना। तो एक होता है पेएबल आफ्टर डेट, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं एडी, पेएबल आफ्टर डेट, और इसको बोलते हैं पेएबल आफ्टर साइट, मतलब पीएस, पेएबल आफ्टर साइट। तो बेटा समझो, अगर बिल पेएबल आफ्टर डेट है, इसका मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया ना उसी दिन से पीरियड स्टार्ट हो गया, डजेंट मैटर कि वो एक्सेप्ट कब हुआ। तो अगर पेएबल आफ्टर डेट है तो आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? आपको कंसीडर करना पड़ेगा डेट ऑफ ड्रॉन, जिस डेट पे वो बिल ड्रॉ हुआ, प्लस पीरियड, उस बिल का पीरियड, और प्लस 3 डेज, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन ग्रेस मिलता है पेमेंट करने वाले को कि आज बिल प्रेजेंट हुआ तो वो उसके बाद 3 दिन के अंदर पेमेंट कर सकता है। और अगर बिल के अंदर ये लिखा है, क्या लिखा है एक्स ने बिल के अंदर, कि तुम एक्सेप्ट करोगे उसके 2 मंथ्स के बाद में पेमेंट करूंगा, देन द 2 मंथ विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इन आवर एग्जाम्पल इज 10 जनवरी। तो अगर पेबल आफ्टर साइट है, क्वेश्चन लिख रहा है कि बिल इज पेबल आफ्टर साइट, इसका मतलब एक्सेप्टेंस के बाद वो पीरियड स्टार्ट होगा जो उसके अंदर मेंशन है। तो बिल के अंदर अगर पीरियड मेंशन है तो दैट पीरियड कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉन और दैट पीरियड कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। वो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या यूज हो रही है। तो अगर डेट ऑफ ड्रॉन से स्टार्ट हो रहा है तो बिल इज नोन एज पेबल आफ्टर डेट, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होगा तो बिल इज नोन एज पेबल आफ्टर साइट। तो अगर पेबल आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉन प्लस पीरियड प्लस 3 डेज, और पेबल आफ्टर साइट है तो ड्यू डेट इक्वल्स टू, बताओ डेट ऑफ ड्रॉन की जगह क्या आ जाएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म प्लस 3 डेज। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना है। देखो 3 दिन का ग्रेस पीरियड देने के पीछे रीजन क्या होता है कि मान लो जैसे 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, 2 मंथ का है, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ और बिल जो है वो कितने मंथ का है, 2 मंथ का है, ठीक है। तो 1 फेब 1 मार्च ड्यू डेट है। अब 1 मार्च को बिल प्रेजेंट हो गया और 1 मार्च को अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बिल क्या होता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक क्या चलता है कि बिल का डिसऑनर्ड होना कम से कम हो। तो जैसे अपने नहीं होता है कि मोबाइल कंपनीज के केस में कि मोबाइल की ड्यू डेट आती है बिल की, उससे पहले रिमाइंडर आने लग जाते हैं कि इतना बिल ड्यू है, पेमेंट करो अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। तो वो लोग तो बहुत पहले से ही रिमाइंड करने लग जाते हैं, डेट जो बिल की डेट होती है, पेमेंट डेट होती है, उसे 10 डेज पहले ही मैसेज करने लग जाते हैं और साथ में लिखते भी जाते हैं इग्नोर इफ पेड, इग्नोर इफ पेड। तो वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या हुआ कि जब बिल प्रेजेंट होता है ना पेमेंट के लिए, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग जो है वो बायर को क्या कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं कि याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारा बिल ड्यू हो गया। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उसी वक्त पेमेंट कर सकता है और वो 3 दिन के अंदर क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। तो क्या होगा, मान लो कि आज कोई बिल ड्रॉ किया, 6 मंथ का बिल है, आज बिल ड्रॉ किया, जैसे मान लो कि मैंने कोई बिल ड्रॉ किया कि आई विल पे यू आफ्टर 6 मंथ, वो 6 महीने बाद ड्यू होगा। अब मैं भूल गया वो बिल लिख के कि मैंने ऐसा 6 महीने बाद किसी को पेमेंट का कोई प्रॉमिस किया, मैं भूल गया, और 6 महीने के बाद कोई जिसको पैसा लेना था वो लेके आ गया कि तुमने बोला था 6 महीने के बाद पेमेंट करोगे, और मैंने कहा तो भूल गया, मैं मुझे याद ही नहीं है कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था। तो अगर मुझे रिमाइंड नहीं किया गया और मुझे बिल पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया और मैं अगर उसके लिए
प्रिपेयर नहीं हूँ तो बिल का मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, नहीं किया तो क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या बोला कि जब बिल प्रेजेंट होता है तो दैट इज कंसीडर एज रिमाइंडर, वो रिमाइंडर माना जाता है, और उसके बाद ऑप्शन है आप सेम टाइम पेमेंट करना चाहो सेम टाइम पेमेंट कर दो, अदरवाइज यू कैन पे विद इन 3 डेज, आप 3 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हो। दैट्स वाई 3 डेज आर कंसीडर, ताकि बिल के डिसऑनर्स के मैटर क्या हो कम हो जाए। तो दे 3 डेज आर फिक्स। तो मैंने आपको क्या बोला, फॉर द पर्पज ऑफ ड्यू डेट, समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर द पर्पज ऑफ ड्यू डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। बताओ फटाफट से, इधर क्या लिखा था, डिमांड बिल, और इधर क्या लिखा था मैंने, टाइम बिल। क्या होता है डिमांड बिल में, डिमांड बिल में पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता। उससे क्या होता है, ड्यू डेट क्या होती है, डेट ऑन विच बिल इज, डेट ऑन विच बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और टाइम बिल क्या होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 डेज ऑफ ग्रेस कंसीडर नहीं होते, 3 डेज हम लोग कंसीडर नहीं करते, मतलब जिस दिन बिल प्रेजेंट हो गया, जिस दिन पेमेंट का इंटीमेशन हम लोग दे रहे हैं उसी दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। टाइम बिल साफ पता चल रहा है, टाइम बिल, टाइम बिल मतलब पीरियड इज स्पेसिफाइड, और वो पीरियड कहाँ से चालू होगा और डिपेंड करता है कि वो बिल क्या है, पेबल आफ्टर डेट और पेबल आफ्टर साइट। अगर पेबल आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करोगे, डेट ऑफ ड्रॉन, डेट ऑफ ड्रॉन प्लस टर्म बिल पीरियड, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी है, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। और इफ पेबल आफ्टर साइट, इफ बिल इज पेबल आफ्टर साइट, अगर पेबल आफ्टर साइट है तो बोलो क्या होगा, ड्यू डेट इक्वल्स टू डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म और प्लस 3 डेज। तो उस केस में अगर आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी गिवन है तो फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिडर करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, डेट ऑफ ड्रॉन होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो आपको वैसे भी पता रहते हैं, जैसे फर्स्ट आपने ड्यू डेट कैलकुलेट किया, और ड्यू डेट क्या आता है आपका, पब्लिक हॉलीडे पे आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रीवियस डे जो है वो हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। आपने क्या किया, बिल ड्रॉ किया 12 जुलाई को, बिल ड्रॉ किया 12th जुलाई, और 12th जुलाई को बिल ड्रॉ किया 1 मंथ पीरियड का, 12 जुलाई को बिल ड्रॉ किया 1 मंथ पीरियड। तो यूं देखा जाए तो 12 जुलाई प्लस 1 मंथ करें तो 12 अगस्त को बिल ड्यू होता है, प्लस 3 डेज अगर और ऑप्शन दें तो 15th अगस्त ड्यू डेट आता है, और 15th अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे इसको क्या होता है, बैंक बंद रहते हैं, तो ये जो है ना पब्लिक हॉलीडे हुआ, तो एक दिन पहले का लॉजिक क्या है कि पब्लिक हॉलीडे पे क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे पे हमारे जितने भी बैंक है ना वो सारे बैंक क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, और क्लोज रहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी को 10 लाख का पेमेंट करना है, 15th अगस्त को ड्यू डेट है, और कोई मेरे पास पेमेंट लेने आएगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अरे यार आज तो बैंक ही बंद है यार, पेमेंट कैसे करूँ, कल आना। तो भैया तुमको पता है 15th अगस्त को तुम्हारे को पेमेंट करना है, बैंक्स बंद होने वाले हैं, तो क्या है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक दिन पहले ही पेमेंट कर दो। तो अगर पब्लिक हॉलीडे मतलब मेरे को पता है कि मेरा बिल का ड्यू डेट क्या है, 12 अगस्त को बिल, 12 को मेरे को बिल प्रेजेंट हो गया, 12th अगस्त को मेरे को बिल प्रेजेंट हो गया, और मैंने 3 डेज का ग्रेस कंसिडर कर लिया, और मुझे वो पेमेंट कब करना है, 15th अगस्त को पेमेंट करना है, मुझे वो पेमेंट कब करना है, 15th अगस्त को पेमेंट करना है, और मेरे को पता है कि 15th अगस्त पब्लिक हॉलीडे। अब 15th अगस्त को कोई पैसा लेने आएगा तो विल से कि यार आज पब्लिक हॉलीडे, बैंक ही बंद है, कल आना यार, तो फिर तो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा ना। इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या बोला, इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या बोला कि अगर आपको पता है कि ड्यू डेट जो आ रही है वो तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे है, अगर आपको पता है कि ड्यू डेट जो है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पेमेंट एक दिन पहले ही कर दो। और पेमेंट एक दिन पहले करने का मतलब ये हुआ
पेमेंट एक दिन पहले करने का मतलब ये हुआ कि 15th अगस्त के केस में 14th अगस्त विल बी कंसीडर्ड ड्यू डेट. 14th अगस्त को हम लोग क्या मानेंगे कि वो आपकी ड्यू डेट है. तो अगर ड्यू डेट आपने कैलकुलेट किया, और ड्यू डेट क्या है, अगर आपने ड्यू डेट कैलकुलेट किया और ड्यू डेट पे क्या है, एक मिनट जस्ट वेट. हाँ बच्चों, अब थोड़ा साफ दिख रहा हूँ मैं ना. तो अगर आपको पता है कि ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे है, बैंक्स बंद हैं, तो एक दिन पहले ही पेमेंट कर दो ना. तो इसलिए अगर ड्यू डेट आपने कैलकुलेट किया और ड्यू डेट आपका पब्लिक हॉलिडे पे आता है, पब्लिक हॉलिडे मतलब 15th अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 25th दिसंबर हो गया, संडे हो गया, संडे जितने भी पब्लिक हॉलिडे हैं, तो ये सब हॉलीडेज़ हैं, उन पे एक दिन पहले ड्यू डेट हो जाती है. और अगर मान लो ड्यू डेट पे इंसिडेंटल हॉलीडे हो गया, जैसे आज ड्यू डेट है और किसी लीडर की डेथ हो गई, उसकी वजह से मतलब डेथ हो गई मतलब कोई गुजर गया और उसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो हमको पहले तो नहीं पता था ना कि आज बैंक बंद होने वाले हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है, नेक्स्ट डे इज़ कंसिडर एज पब्लिक हॉलीडे. तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलीडे, लॉजिकली समझो, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्यू डेट इज़ पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट क्या है, पब्लिक हॉलीडे, देन द प्रीवियस डेट विल बी द ड्यू डेट, एंड इफ ड्यू डेट इज ऑन इंसिडेंटल हॉलीडे तो नेक्स्ट डेट विल बी द ड्यू डेट. समझ में आया? अब कुछ लोगों के डाउट होते हैं, सर मान लेते हैं 12th, कुछ लोग क्या पूछते हैं रूटीन क्लासेस में कि 12th अगस्त को हमारा ड्यू हो रहा है, 3 डेज और ऐड किए, 15th अगस्त हो गया. अब 15th अगस्त को क्या है, पब्लिक हॉलीडे, तो 14th अगस्त ड्यू डेट हो गया. अब 14th अगस्त को क्या हुआ, इंसिडेंटल हॉलीडे हो गया. 14th अगस्त को किसी की डेथ हो गई, कोई गुजर गए और गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया 14th अगस्त को. तो बेटा 14th अगस्त पब्लिक हॉलीडे डे हो गया, तो क्या होगा, 15th अगस्त ड्यू डेट आएगी. और 15th अगस्त भी हॉलीडे, तो अब क्या होगा, 16th अगस्त आपकी ड्यू डेट आएगी इस केस में. तो पब्लिक हॉलीडे, आज पब्लिक हॉलीडे, तो अपन ने बोला एक दिन पहले पेमेंट करेंगे. अब एक दिन पहले इंसिडेंटल हॉलीडे हो गया, तो 15 अगस्त ड्यू डेट थी, तो अपन ने बोला ठीक है, हम 14 को पेमेंट कर देंगे, 14 को पेमेंट करेंगे. और 14 को इंसिडेंटली हॉलीडे हो गया, सारे बैंक बंद हो गए, तो सीधी सी बात है, अब 13 कहाँ से लाऊं मैं, आज तो 14th अगस्त है ना, तो 14th अगस्त को बैंक बंद हो गए, पेमेंट हो नहीं सकता. 15th अगस्त भी बैंक बंद है, पेमेंट नहीं हो सकता, देन द 16th अगस्त विल बी द हॉलीडे. कुछ ऐसे भी पूछते हैं क्लासेस में, सर 15th अगस्त को पब्लिक हॉलीडे, तो प्रीवियस डेट 14th अगस्त. अब मान लो 14th अगस्त को भी पब्लिक हॉलीडे संडे, तो बेटा बट ऑब्वियस यार 13 अगस्त आपका ड्यू डेट आएगा. अब ज़्यादा चेन में चलाना, उसके पहले ही पब्लिक हॉलीडे, इतने नहीं होते इंडिया में. तो कुल मिला के क्या होगा, अगर ड्यू डेट, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल पेबल आफ्टर डेट है या पेबल आफ्टर साइट है, क्योंकि आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्रॉन से स्टार्ट होगा, और आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्यू डेट कैलकुलेट किया और ड्यू डेट पे अगर पब्लिक हॉलीडे, देन द प्रीवियस डेट विल बी कंसिडर एज ड्यू डेट, और अगर ड्यू डेट पे इंसिडेंटल हॉलीडे तो नेक्स्ट डेट विल बी द कंसिडर एज ड्यू डेट. ठीक है, दूसरा चीज, क्वेश्चंस में बहुत सारे हॉलीडेज दिए होते हैं, जैसे बोलते हैं ना हॉलीडेज ड्यूरिंग द पीरियड आर एज फॉलोज, तो जितने भी हॉलीडेज क्वेश्चन के अंदर दिए हुए ना, वो प्री नोन है, पहले से ही पता है, वो सब पब्लिक हॉलीडे कंसीडर होते हैं. तो क्वेश्चन के अंदर जो भी हॉलीडेज दिए हुए, कुछ नहीं बोला है, तो वो सारे हॉलीडेज पब्लिक हॉलीडे. क्वेश्चन ही कह रहे इंसिडेंटल है तो बात खत्म. बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं हॉलीडेज जो है वो क्या है, पब्लिक हॉलीडेज, जो पहले से ही पता है. और कुछ नहीं बोले रिगार्डिंग बिल, वी ऑलवेज कंसीडर कि वो बिल क्या है, पेएबल आफ्टर डेट है, इसलिए उसका जो पीरियड है वो डेट ऑफ ड्रॉन से स्टार्ट हो जाएगा, डेट ऑफ ड्रॉन प्लस टर्म प्लस 3 डेज करना पड़ेगा. समझ में आया? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या सिस्टम रहेगा, देखो वन साइड हो या टू साइड ट्रांजैक्शन हो, जो फर्स्ट पढ़ा था ना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ वन साइड ट्रांजैक्शन,
और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज यू रेट इन केस ऑफ टू साइड ट्रांजेक्शन. अब हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज यू रेट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो अभी तक पढ़ा वो ये पढ़ा कि बिल का ड्यू रेट कैसे निकालते हैं. तो बेटा अगर समझना ढंग से, मैंने 1 जनवरी को क्या किया, सेल किया, एंड क्रेडिट पीरियड इज, एंड क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ. तो इस केस में मेरा ड्यू डेट 1 फेब आएगा. और अगर 1 जनवरी को हमने सेल किया और सेल करने के बाद हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर दिया कितने पीरियड का, 1 मंथ का, तो फिर उस केस में ड्यू डेट 1 जनवरी प्लस 1 मंथ का बिल प्लस 3 डेज. तो नॉर्मल परचेज सेल के ट्रांजैक्शन में 3 डेज कंसीडर नहीं होते हैं. सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में वी आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर 3 डेज ड्यू टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पे अप्लाई होता है. तो यहाँ 1 जनवरी प्लस 1 मंथ करोगे तो 1 फेब आएगा, प्लस 3 डेज करोगे तो 4 फेब आएगा. तो परचेज सेल पे ड्यू डेट कैसे निकलती है, ट्रांजेक्शन डेट प्लस टर्म, बस ट्रांजेक्शन डेट प्लस क्रेडिट पीरियड. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्यू डेट कैसे निकलती है, ट्रांजेक्शन डेट प्लस टर्म या पीरियड जो भी आप बोलो प्लस 3 डेज. तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, 3 डेज सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के केस में ही कंसीडर होते हैं. नॉर्मल परचेज सेल के केस में वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंसीडर 3 डेज. समझ में आया क्या बोला? तो अगर 1 साइड ट्रांजेक्शन या 2 साइड ट्रांजेक्शन और उसमें सिर्फ परचेज सेल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तो ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय 3 डेज कंसीडर नहीं करना. पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 1 साइड है या 2 साइड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 साइड मतलब हमने बिल ड्रॉ भी किए और हमने बिल एक्सेप्ट भी कर रखे हैं, तो उस केस में ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय 3 डेज आएगा. समझ में आया? तो बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, अच्छा नॉर्मल स्टेप्स क्या है मुझे बताओ. नॉर्मल स्टेप्स ड्यू रेट ADD निकालने की, फर्स्ट कैलकुलेट ड्यू रेट, सेकेंड कैलकुलेट ड्यू अमाउंट, थर्ड कंसीडर बेस डेट, फोर्थ कैलकुलेट पीरियड, फोर्थ कैलकुलेट व्हाट पीरियड, फिफ्थ कैलकुलेट प्रोडक्ट और सिक्स कैलकुलेट ADD. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में भी सेम स्टेप्स एप्लीकेबल है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में भी ये सेम स्टेप्स एप्लीकेबल हैं. बस क्या होता है, आपको ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे करना है, डेट ऑफ ड्रॉन या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म और प्लस 3 डेज. और जब सारे बिल्स के ड्यू डेट्स आ जाएंगे फिर उसके बाद में आपका कैलकुलेशन क्या है, सेम है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट, इंडिविजुअल बिल का ड्यू डेट कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं, होप यू विल अंडरस्टैंड. कॉन्सेंट्रेटेड रहना, सुनते रहना, कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा. तो जैसे कि मान लो फॉलोइंग बिल्स आर ड्रॉन बाय एक्स ऑन वाई. फॉलोइंग बिल्स आर ड्रॉन बाय एक्स ऑन वाई. इतना तो पता होगा, बिल वही ड्रॉ कर सकता है जिसके लिए अमाउंट रिसीवेबल है. तो एक्स ने बिल क्यों ड्रॉ किया, क्यों एक्स ने क्या किया, गुड सप्लाई किया होगा. तो सोचो 1 जनवरी को एक्स ने क्या किया, सेल किया. तो मैं लिख सकता हूं यहां डेट ऑफ सेल, फर्स्ट जनवरी को क्या किया, सेल किया एंड अमाउंट इज 1000. और डेट ऑफ ड्रॉन, बिल जो ड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्रॉन भी क्या है, 1 जनवरी है. तो सीधी बात है, जिस दिन हमने सेल किया उसी दिन हम लोगों ने बिल क्या किया, बिल ड्रॉ भी कर दिया. और पीरियड 1 मंथ. तो सीधी सी बात है यार, ये 1000 का सेल आपने 1 जनवरी को किया,
और आपने बिल ड्रॉ किया और आप कह रहे हो बिल बिल में कि तुम मुझे पेमेंट 1 मंथ के बाद करना। अब यार तुम कह रहे हो पेमेंट 1 मंथ के बाद करना, तो पैसा ड्यू ही 1 मंथ के बाद होगा ना। फिर उसके बाद 10 जनवरी को हमने सेल किया 2000 का और इसी डेट पे बिल ड्रॉ कर दिया एंड पीरियड इज़ 2 मंथ। और फिर हम लोगों ने क्या किया, 21 जनवरी को सेल किया 3000 एंड बिल पीरियड इज़ 3 मंथ। तो बेटा ये तो सिर्फ सेल डेट है, ट्रांजैक्शन डेट है या जिस डेट पे मैंने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। तो मैंने बिल ड्रॉ किया और मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करना है, तो ड्यू 1 2 3 और मंथ्स के बाद होंगे। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इनका एवरेज ड्यू डेट क्या है। इनका एवरेज ड्यू डेट मतलब अगर वाई 176,000 का पेमेंट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट करना चाहे तो किस डेट पे करेगा। तो सीधा है बेटा, क्या करो, पहले ड्यू डेट निकाल लो। अब क्या होगा, 1 जनवरी प्लस 1 मंथ करोगे तो 1 फेब और प्लस 3 डेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता और आप 1 मंथ का क्रेडिट देते तो 1 जनवरी प्लस 1 मंथ करते तो 1 फेब होता। अब 1 जनवरी प्लस 1 मंथ, 1 फेब प्लस 3 डेज क्या होगा इस केस में बताओ। इस केस में 4 फेब ड्यू डेट है 1000 अमाउंट की, मतलब 1000 रुपीज जो ड्यू हो रहा है ना पेमेंट के लिए 4 फेब को हो रहा है। अब 10 जनवरी को बिल ड्रॉ किया 2 मंथ का, तो कैसे काउंट करोगे बताओ। 10 जनवरी, 10 फेब, 10 मार्च प्लस 3 डेज, तो इस केस में 13 मार्च आपकी ड्यू डेट है और अमाउंट ड्यू कितना है 2000। अब क्या किया, 21 जनवरी को 3 मंथ का बिल ड्रॉ किया, 21 जनवरी को 3 मंथ का बिल ड्रॉ किया, तो 21 जनवरी से काउंट करो 21 फेब, मार्च, अप्रैल, 21 अप्रैल और 3 डेज और काउंट कर लो, 24 अप्रैल, सही है ना। जनवरी के बाद फेब, मार्च, अप्रैल और 3 डेज 24 अप्रैल। और अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता ना, तो यहाँ 1 फेब ड्यू डेट होती, यहाँ 10th होती और यहाँ पे 21 होती, बस इतना सही फ़र्क है। अब वही पब्लिक हॉलीडे, अब नॉर्मल, अभी नॉर्मल परचेज सेल के ट्रांजेक्शन है तो उन पे पब्लिक हॉलीडे इंसिडेंटल हॉलीडे का कोई रोल नहीं है। ये पब्लिक हॉलीडे और इंसिडेंटल हॉलीडे के रूल से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे बस। तो ड्यू डेट का कैलकुलेशन अलग है, नॉर्मल परचेज सेल पे ड्यू डेट कैलकुलेशन का तरीका अलग है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पे जो ड्यू डेट कैलकुलेशन का तरीका है वो डिफरेंट है, बस बाकी सेम है। यू कैन कंसिडर 4th फेब एज बेस डेट, 4th फेब को आप बेस डेट ले लो। तो अब अगर हम लोग पीरियड कैलकुलेट करें तो पीरियड में क्या करना है तुमको, ड्यू डेट में से बेस डेट माइनस करना है। तो 4th फेब से 4th फेब जीरो हो गया, 13 मार्च से 4th फेब, तो फेब का कितना बचा, 24 प्लस 13 37, और 24th अप्रैल माइनस 4 फेब या 4th फेब से 24th अप्रैल, तो फेब का कितना है बेटा 24, मार्च का 31 और अप्रैल का 24, इट कम्स टू 79 डेज, बस बाकी तो सेम ही है। प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो 0 2000 मल्टीप्लाई बाय 37 74,000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 79, 237,000। अब टोटल सम करें अगर, तो सम ऑफ अमाउंट 6000 और यहाँ पे 74,000 प्लस 237,000। अब अगर आप एवरेज ड्यू डेट करोगे कैलकुलेट 6000 के लिए, तो बेस डेट 4th फेब प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट 311,000 डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट 6000। ढंग से सुनते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर आप पढ़ते पढ़ते अगर आपका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है तो फिर आपको समझने के लिए 2-3 बार सुनना पड़ेगा। तो 4th फेब प्लस 52 डेज, अपर साइड राउंड ऑफ करें तो 4th फेब में 52 डेज आगे जाना है, तो इसमें से 24 तो फेब के माइनस कर दो, तो 52 माइनस, सही है ना, 311,000 डिवाइड बाय 6000 क्या हो गया रे, 311,000 डिवाइड बाय 6000, हाँ 52, ठीक है। तो 52 में से 24 तो आप ये माइनस कर दो, बचा 28, तो मार्च,
बस 28 मार्च इज एवरेज ड्यू डेट ऑफ ₹6,000. तो अगर मिस्टर वाई 6,000 का पेमेंट 28 मार्च को करेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, पर अगर वो इससे पहले, इसके बाद में या इससे पहले, और सॉरी अगर वो 28 मार्च से पहले या 28 मार्च के बाद में पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वही एवरेज ड्यू डेट से पेमेंट डेट के लिए होगा. अगर वो डिले करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, समझ में आया. और अगर उसने अर्ली पेमेंट किया तो उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा. तो जिसको समझ आ रहा है, सोचो वन साइड ट्रांजैक्शन हो या टू साइड ट्रांजैक्शन हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, फ़र्क क्या है? तो वन साइड और टू साइड और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क इतना सा है कि परचेज सेल कैलकुलेट करते समय, परचेज और सेल कैलकुलेट करते समय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब परचेज सेल पे अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे अगर ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हो तो सीधा है ट्रांजैक्शन डेट प्लस क्रेडिट पीरियड, 3 डेज नहीं है. पब्लिक हॉलीडे, इंसिडेंटल हॉलीडे का कोई मैटर नहीं है. और वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो डेट ऑफ ड्रॉन भी हो सकता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, प्लस टर्म प्लस 3 डेज. फिर वो पब्लिक हॉलीडे हो गया तो एक दिन पहले, इंसिडेंटल है तो एक दिन बाद. लॉजिकली सोचो, लर्न नहीं करना पड़ेगा, समझ में. बाकी प्रोसेस सेम है एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन का. अरे आया क्या? चलो जैसे एक एक एग्जांपल ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 ये एग्जाम में आया हुआ है 2015 मई में. ऐसे रैंडमली ले लिया मैंने, ये 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया. फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द एवरेज ड्यू रेट. आपको एवरेज ड्यू रेट फाइंड आउट करना है. अब यहाँ डेट ऑफ बिल है, अमाउंट है और पीरियड गिवन है. तो आपको क्या करना है बेटा, वही सेम प्रोसेस है. पहले ड्यू डेट कैलकुलेट कर लो, ड्यू अमाउंट कैलकुलेट कर लो, ड्यू डेट. अब 29th जनवरी प्लस वन मंथ, 29 जनवरी प्लस वन मंथ करोगे. अभी 29 जनवरी प्लस वन मंथ करते 29 फेब आता है. अब फैब मान लो 29 का नहीं है तो 28 फैब को मंथ खत्म हो जाएगा. प्लस 3 डेज करोगे तो इसकी ड्यू डेट आएगी 10th मार्च. मीन्स 10,000 जो है वो ड्यू है 3rd मार्च को. 20th मार्च और 2 मंथ काउंट करो रे, 20th मार्च काउंट करो ना, 20th मार्च एंड 2 मंथ, मार्च के बाद अप्रैल और मई, तो 23rd मई, 23rd में अमाउंट इज 8,000. 12 जुलाई वन मंथ आ गया, 12 जुलाई प्लस वन मंथ, 12 जुलाई अगस्त प्लस 15th अगस्त. अब 15th अगस्त पब्लिक हॉलीडे तो 14th अगस्त लेना पड़ेगा, पर ये नॉर्मल परचेज सेल होता ना तो फिर 15th अगस्त ही होता. अमाउंट कितना लिखूँ, 14,000. 10th अगस्त 2 मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर 13, क्या रे गिनो ना रे, काउंट करो. अगस्त के बाद 2 मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर 13 अक्टूबर, और अमाउंट 12,000. बस ये सम हो गया तुम्हारा 10, 18 प्लस 14 प्लस 12, तो सम ऑफ अमाउंट इज 44,000. अब तुमको क्या करना है, अर्लीस्ट डेट को, ये अर्लीस्ट डेट है उसको बेस डेट ले लो, ये तुम्हारी बेस डेट होगी. नाउ यू कैन कैलकुलेट पीरियड. तो 3rd मास से 3rd मास तो 0 आ जाएगा. कैलकुलेटर हाथ में रखना, सामने रखना मतलब. 3rd मार्च से 23rd मई, देखो ना यार, 3rd मार्च से 21st मई कौन कौन से मंथ आते हैं, मार्च अप्रैल और मई. तो मार्च के दिन बचे 28, रिमेनिंग डेज ऑफ मार्च आफ्टर 3rd मार्च. तो 3rd मार्च के बाद हो गया ना 28, अप्रैल 30 और मई का 23. तो 28 प्लस 30 प्लस 23 81, और फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अपने को लेना है 3rd मार्च से 14th अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और फिर अगस्त. तो मार्च के तो 28, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त का 14. अच्छा बचपन में ऐसा करते थे ना, कभी किसी को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा मंथ 30 है 31 है. तो ऐसा जनवरी दिख रहा है क्या?
इस केस में ऐसा होता है ना, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त नहीं आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, तो ये जो अपर साइड जो भी आ रहे हैं ये सब 31 के हैं, और जो अंदर आ रहे हैं वो सब 30 के हैं। ठीक है, आता है तो 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 14, 164। तो 164, अरे वापस देख लेते हैं, 28 30 31 30 31 और 14, 164। और अक्टूबर तक काउंट करना है, अगस्त, जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर में जाना है 13। 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 13, देख लेना यार कोई मिस्टेक हो तो। बस ये पीरियड हो गया, बाकी तो वही प्रोडक्ट ज़ीरो, 8000 मल्टीप्लाई बाय 81, 648,000, और 14000 मल्टीप्लाई बाय 164, 229,600, 22,96,000, और 12000 मल्टीप्लाई बाय 224, 26,88,000, 6,48 प्लस 22,96,000 प्लस 26,88,000, 56,32,000। अरे यार, नाउ एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू वही क्या, बेस डेट 3 मार्च प्लस 56,32,000 डिवाइड बाय 44,000, 128 डेज, 3 मार्च प्लस 128 डेज। अरे अब इसमें 3 दिन मत और ऐड कर लेना ना, यूनि कि इसमें भी 3 डेज ऐड कर लो, वो इंडिविजुअल जो बिल का ड्यू डेट है उस पर एप्लीकेबल होता है। 128 है अब, चलो कैसे निकालेंगे, 128 डेज आगे जाना है तो इसमें से माइनस कर लो मार्च के 21, अरे मार्च के 28 100 बज गए, अप्रैल के 30 माइनस कर दो 70 बज गए, फिर मई के माइनस करो 31, 39, फिर आप माइनस करो जून के 30, तो मतलब 9 जुलाई, तो इसका आंसर आना चाहिए 9 जुलाई। मतलब ये हुआ कि 44,000 का एक साथ अगर पेमेंट करें, मतलब इन सब के अलग अलग डेट पे पेमेंट करने के बजाय यू कैन पे 44,000 ऑन 9 जुलाई, तो भी किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस या बेनिफिट नहीं होगा। समझ में आया? तो एक ही बात है ना, वन साइड है या टू साइड है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी वन साइड टू साइड होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे वन साइड टू साइड होते हैं? अगर अपन ने सिर्फ बिल ड्रॉ कर रखे हैं तो वन साइड है, अगर आपने सिर्फ बिल्स एक्सेप्ट कर रखे हैं तो वन साइड है, तो टोटल अमाउंट के लिए निकलेगा। और अगर आपने बिल ड्रॉ भी कर रखे हैं और एक्सेप्ट भी कर रखे हैं, अगर आपने बिल ड्रॉ भी कर रखे हैं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो फिर वो टू साइड है। दो टेबल बनानी पड़ेगी, रिसीवेबल के लिए और पेएबल के लिए। मुझे पता है आप लोग घर पे बहुत बोर हो रहे हैं, आपको करने को कुछ नहीं है, है ना? आप बहुत बोल रहे हैं सर प्लीज़ होमवर्क दे दो, इतना सारा दे दो कि हम लोग पूरे दिन काम करते रहें। तो आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ होमवर्क है, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा, वन साइड, टू साइड और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये समझ में आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वन साइड हो सकता है, टू साइड हो सकता है। अगर आपने मिस्टर एक्स पे बिल ड्रॉ भी किए और मिस्टर एक्स ने भी आप पे बिल ड्रॉ किए, तो एक बिल रिसीवेबल हो गए, एक बिल पेएबल हो गए।
तो फिर बीआर का टेबल अलग बनेगा, बिल्स पेबल का टेबल अलग बनेगा, फिर बाद में नेट ऑफ होगा, फिर वो फॉर्मूला यूज़ करते ना अपन टू साइड के केस में, ड्यू रेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अमाउंट, वो लेना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो नोट्स में से हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करना, आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो जहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आए वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप टाइम अपना पास कर सकते हो कि भाई जितना पढ़ा उतना अपने को समझ में आया या नहीं आया, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और नोट्स का, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखा है, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और फिर यही बोलूँगा कि देखिए मैनुअल क्लासेस नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि सामने स्टूडेंट कैसे सोच रहा है, उसका फेस का एक्सप्रेशंस क्या है। तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इट्स ऑन यू कि आप कितना सीन्सियरली देखते हैं, तो जितना आप सीन्सियरली वीडियो देखोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। और वही है, अगर आपको समझ आए, आपको पसंद आए, तो ज़रूर लाइक करें, अपने अपने वैल्यूबल कमेंट्स उस पर शेयर करें, तो मुझे पता चले कि क्या है कैसा है उस केस में। तो यू कैन लाइक और कमेंट ऑन वीडियो जैसा आपको लगे, तो थोड़ा कम्युनिकेशन बना रहेगा आप लोगों के बीच में मेरे साथ में। ओके, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मैंने कल भी नंबर दिए थे लास्ट में 9414115805 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कोई इंस्टाग्राम पे, तो उस पर भी मुझे कोई मैसेज करेगा तो मैं आपके डाउट्स उस पर सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप यू विल एंजॉय, और अच्छे से पढ़ाई करना, होमवर्क करना, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये ज़रूर से दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, एंजॉय स्टडी, अच्छे से पढ़ना, बाय।